हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम रेफ्रिजरेटर से वॉशिंग मशीन्स पर आ चुके हैं। जैसे कि आप बॉक्स पर देख ही चुके हैं, ये वर्लपूल की वॉशिंग मशीन है। तो आइए बिग अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, 6 kg मॉडल में ये वॉशिंग मशीन है वर्लपूल की, और ट्यूलिप पिंक इसका कलर है। और ये हार्ड प्लास्टिक से बिल्ट इन है, ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरी हार्ड प्लास्टिक से बिल्ट इन है। और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ये। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि ड्रायर और वॉशर अलग अलग होता है, तो ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। तो आइए इसको करीब से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप इसका वर्किंग पैनल देख रहे हैं। 6 kg वेट इसका मॉडल है, और ये फैब्रिक टाइप, ये वॉशर टाइमर है। ये आप इसको 5, 10 या 15 मिनट पर सेट कर सकते हैं टाइमर को। और ये ड्रेन सिलेक्शन है, पानी को अगर निकालना हो तो आप ड्रेन कर सकते हैं। और ये मैक्स ड्रायर है, इसको आप अपने हिसाब से इसका टाइम सेट कर सकते हैं, 3 मिनट या 5 मिनट। और ये इसका वॉशर है यहाँ पे। ये वर्लपूल की तरफ से एरियल की एक अच्छी खासी सर्फ की किट साथ में आती है, और ये पाइप दी हुई है हमें, और ये कवर दिया हुआ है, और ये वॉशर आप देख सकते हैं। और यहाँ ये नेट दिया हुआ है, जो कपड़े के वेस्ट रेशे वगैरह होते हैं वो इसमें इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये इसका वॉशर का लुक था। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये 2 होल्स दिए हुए हैं। यहाँ आप वॉशर में अगर पानी डालना हो तो यहाँ आप पाइप फिट कर सकते हैं, और यहाँ अगर आपको ड्रायर या स्पिनर में पानी डालना हो तो यहाँ आप पाइप फिट कर सकते हैं। और ये इसके स्पिनर्स का अंदर का लुक है। तो ये स्पिनर है इसका, और साथ में ये गाइड यहाँ दी हुई है। और ये होल्स हैं जो कि पानी को सॉक कर बाहर निकाल देते हैं जब स्पिनर स्पिन करता है। और ये इसके हार्ड प्लास्टिक का लुक है, जो आप इसको देख सकते हैं। और इसकी 2 ईयर्स की, इस मॉडल की 2 ईयर्स की वारंटी है। तो फ्रेंड्स, इसका प्राइस 9 से 10 हज़ार के रेंज के बीच में है। जैसे मैं हमेशा की तरह कहता हूँ, अगर इससे ज़्यादा मिले तो मत लीजिएगा, और इससे कम मिले तो आप इसको ज़रूर लीजिएगा। होप फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी लास्ट, अगर आप सीरीज़ देखना चाहें, वो मेरी रेफ्रिजरेटर की सीरीज़ थी, अगर आप वो देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो मेरी पास्ट वीडियोज़ का, तो वो भी आप देखना चाहें ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।